नमस्कार जी, मैं मंजू। और आप सब कैसे हैं? ये मेरा लेमन ट्री है, ये आप देख सकते हैं, इस पे फूल भी आ रहे हैं और इस पे ये लेमन भी लगे हुए हैं। ये देखिए आप, ये लगे हुए हैं इस पे लेमन। तो आज मैं इस पे बड ग्राफ्टिंग करना चाहती हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि एक साइड का ये जो एक तरफ की जो इसकी ये ब्रांच है, इसको मैं छोड़ दूं, और जो इस तरफ की है, ये फूल भी आ रहे हैं अभी। ये फूल, ये देखा आपने, फूल आ रहे हैं। तो इस तरफ की मैं काट दूंगी, काट के मैं इधर बड ग्राफ्टिंग करूंगी इस पे। ये जो मेरा प्लांट है, ये मैंने अपने लेमन ट्री से एयर लेयरिंग के द्वारा तैयार किया हुआ, ये मेरा प्लांट है। ये इतना बड़ा, ये मैंने इसको छाया में ही रखा हुआ था। तो मैं इस पे बड ग्राफ्टिंग करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्लांट के ये जो एक तरफ की ये साइड है, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको मैं रिमूव कर दूँ, और ये एक तरफ का मैं ये चलने दूंगी, ये लेमन का ही चलने दूंगी, और एक तरफ का इसका ये हटा दूंगी। तो अभी मैं ये करने वाली हूँ, तो इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। मैं ये स्केटर लाना भूल गई थी, इसलिए मुझे बीच में पोज करना पड़ा। इस पे लेमन ये देखिए, ये लग रहे हैं। तो अब मुझे जो इस पे ग्राफ्ट करना है, वो मैं किन्नू की कटिंग लेके आई हूँ। तो मैं चाहती देखना चाहती हूँ कि इस पे जो बड ग्राफ्टिंग वो चलती है कि नहीं। तो मुझे ये सब पहले रिमूव करने हैं, ऐसे रिमूव करने हैं, ये सब रिमूव करने हैं इस तरह से। तो इसमें भी टाइम लगेगा, तो मैं पॉज करके पहले रिमूव। ये मैंने कुछ इस तरह से ये सब हटा लिए हैं, ये यहाँ से हटा लिया। अब ये भी इसको पूरा अच्छे से हटा दूंगी, ये एक अलग से जो ब्रांच है नीचे, ये चलने दूंगी, पर इसमें से ये सब अच्छे से ये रिमूव कर दूंगी। और ये सब मैंने ये हटा दिए हैं, और ये जो मेरी ब्रांच है वो ये ऐसे लंबे में मैंने ये रहने दिया है, इसको बाद में देखूंगी। तो अब जो बड ग्राफ्टिंग है वो मैं यहाँ पे करूंगी। इसके जो फूल भी अच्छे लग रहे थे और नींबू भी ये लग रहे थे, ये सब मैंने ये कटिंग कर दी है। बल्कि इस प्लांट को तेज धूप की जरूरत है, मैंने ये छाया में रखा हुआ है, मुझे इस पे ग्राफ्टिंग करनी थी इसलिए। ये मैंने जो इस पे ग्राफ्टिंग करनी है, ये कल मैंने किन्नू सिट्रस फ्रूट है जो किन्नू, उसकी मैंने कटिंग कल मंगवाई थी और पानी के बीच में ही रखी थी। तो अब मैं इसकी ये यहाँ से बड लूँगी। तो वैसे तो टाइम तो वही ज़्यादा अच्छा रहता है इनके लिए, फरवरी और मार्च का बड ग्राफ्टिंग के लिए। बट फिर मेरे यहाँ तो वही गर्मी वाली समस्या है, ये यहाँ से बड मैं लूँगी, यहाँ से ये ऐसे करते हुए, ये आप देख रहे हैं, ये बड एक, ये और एक, ये इसकी कटिंग करूँगी ये ऐसे, ये कुछ इस तरह से बड़े ही ध्यान से ये करनी है आपने, ये ऐसे काटना है। जिससे आप काटोगे वो शार्प होना चाहिए, कैंची या कोई भी ब्लेड से आप काटोगे वो चीज़ शार्प होनी चाहिए। डर भी लग रहा है कहीं हाथ वाथ ना कट जाए। तो ये हमारी एक ये बट कट गई है, ये आ गई है हमारी बट कुछ ऐसे। और एक मैं अब और काटती हूँ, ये जो है ये काटनी है बड़े ही ध्यान से ऐसे। ये काट ली हमने, अब हमें और चाहिए होगी तो फिर इस तरह से हम और भी
कट कर सकते हैं। तो इनको संभाल के रखना है, ये तो इधर उधर गिरेंगे तो फिर दिखेंगे भी नहीं मेरे को, मेरे को क्या किसी को भी नहीं ये फिर दिखेंगे। तो अब ये जहाँ पे ये जो नोड बनी हुई है ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मैं करूँगी, यहाँ कट लगाऊंगी और मैं दो करूँगी। अगर मेरी एक नहीं चलती है बाई चांस तो फिर मैं इस तरह से करूँगी कि दूसरी अगर चल पड़े तो कम से कम एक तो चले। अगर एक नहीं चलती है तो मुझे ये रहेगा कि कम से कम मेरी दूसरी तो ये ऐसे कट धीरे से, ये इस तरह से आना चाहिए ये हमारा, ये आप देख रहे हैं ये टी बट ग्राफ्टिंग, ऐसे कट लगा लिया, ये कट लगा लिया और इस तरफ को ये इस तरफ का भी ये ऐसे हो गया। अब इसमें हमने अपनी जो ये बड की है ली है इसको इसमें ग्राफ्ट करना है, इसमें लगाना है। तो ये हो गया हमारा। तो कल थोड़ा बिजी रहने के कारण मैं ये लगा नहीं पाई, मैं कल लगाना चाहती थी। अब देखते हैं कैसी चलती है कि नहीं चलती है, क्योंकि वैसे तो मैंने पानी में इसको रखा हुआ था, पर जितनी अगर जल्दी आप ये करते हो लाते हो और ताज़ी ताज़ी जितना लगाते हो तो चलने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ा सा इसको कवर को ये हटा के मैं इसमें इसको ऐसे फिक्स करूँगी, ये बट को इस तरह से, ताकि इसकी स्किन के साथ ये स्किन हमारी आ जाए, ये ऐसे फिक्स बैठ जाए। ये बट दिख रही है, कुछ इस तरह से ये बट, ये हमारी ये बट दिख रही है और हमने इसको ऐसे इसमें फिक्स कर दिया है। और अब क्या तरीका है, बहुत ही आसान, मैं तो वही देसी तरीका अपनाती हूँ कि पहले मैं धागे से थोड़ा सा इसको बांध दूंगी ताकि थोड़ा सा टाइट हो जाए और फिर मैं इसके बाद दूसरा काम करूँगी। बस ये दो मैं करके आपको दिखाऊंगी, बाकी मैं जो है वो बाद में करूंगी, क्योंकि कल की कटिंग है और पता नहीं कितनी ये धागे से इसको टाइट करके बांध लेना है, ये ऐसे इस तरह से ये धागे से ऐसे बांध लेना है। तो नींबू पे ये हमने जो है किन्नू की ये ऊपर ये बट के ऊपर नहीं हमने कुछ करना है, इसके ऊपर नहीं इसको टाइट बांधना है, बस जहां जहां पे इसके ये सिरे ऐसे इस तरह से। तो ये देख रहे हैं आप, ये बट हमारी ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये धागा अब हमने ये टाइट करके ऐसे बांध देना है, ये बांध लिया। अब इसमें हमने गांठ लगा देनी है, इस तरफ को देखते हो। तो बहुत ही आसान है, आप भी करके देखिए और फिर इसको हम कब देखेंगे, इसको हम एक महीने के बाद देखेंगे। इस पे चाहे तो हम पोली बैग भी लगा सकते हैं और इसको छाया में रखना है, अब हमें एक महीना तक छाया में रखना है जहाँ धूप बनाती हो। एक ये मैंने बट ये लगा दी और एक बट मैं थोड़ा सा ये ऊपर करके लगाऊंगी ताकि अगर ये ना चले तो फिर दूसरी के चलने के चांसेस हों। तो इस तरह से मैं लगाऊंगी, ये इसको थोड़ा सा घुमा लिया जाए, इस तरफ लगाऊंगी मैं,
यहाँ पे लगाऊंगी दूसरी बटन। तो अगर चल पड़ती है तब तो बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छी बात ये होगी कि एक ब्रांच की तरफ जो है वो हमारे किन्नू लगेंगे और दूसरी ब्रांच की तरफ जो है वो हमारे लेमन लगेंगे। तो दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाएंगी। थोड़ा इसको फोकस करना मुश्किल हो रहा, तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे करते हैं। ये कट देख रहे हैं आप, ये ऐसे लगाना है ये कट, बस छिलका, ये छिलके को ऐसे ऊपर कर दिया, टी जैसा बना देना इसको, टी बट क्राफ्टिंग। तो मेरे को वैसे तो कायदे से कल करना चाहिए था पर मेरे पास टाइम ही नहीं था। आज भी मैं करने वाली थी, फिर मेरे किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, फिर मैं फ़ोन में थोड़ी बिजी हो गई, तो ये कटिंग मेरी फिर ऐसे ही रह गई। ये ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ऐसे छिलका। और ये इस तरफ का थोड़ा सा और कट लेते हैं इधर से। तो हमारी ये बड है, ये देखिए, ये बड है, ये बड है, ये जो ये है, ये देख रहे हैं, ये बड है। अब ये इसको हम ऐसे इसमें लगाएंगे छिलके में, ये ऐसे छिलके में ऐसे करके, और इसको धीरे धीरे नीचे फिक्स करते जाएंगे, जो लेमन की स्किन है और इसकी किन्नू की स्किन है, ये आपस में सेंटर में आने चाहिए। नहीं कर पा रहा ठीक से, ये हमारी आगे बड आ गई है, ये हमने इसको इसमें फिक्स कर दिया। एक्चुअली शाम का टाइम हो गया है तो थोड़ा अंधेरा जैसे भी आजकल जल्दी होने लगता है। बस इसमें भी हमने क्या करना है, ये धागा बांध देना है यहाँ पे। बहुत ही आसान, आप करके तो देखिए, तो चार पांच आप किसी की भी बर्ड्स काट लीजिए और आपके पास प्लांट है तो इस तरह से आप बस ये बड को छोड़ देना है, ये बीच में जो बड दिख रही है सेंटर में, बड इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ही दबी हुई हो और इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है, पहली वाली मुझे थोड़ी ठीक लग रही थी। ये ऐसे बांध लिया इसको, ये बन गया हमारा। और इस पे चाहे तो हम पुली बैग चढ़ा सकते हैं, चाहे एल्युमिनियम फॉइल से इसको कवर कर सकते हैं। और इनमें इनके ऊपर पानी नहीं पड़ना चाहिए, ढक के इनको रखना है ताकि जो आपस में ये चिपकेंगी तो उनमें आसानी रहेगा। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं एक बड और निकाल लूँ तो एक और मैं क्राफ्ट कर लूँ। मैंने ये एक बड और काट ली है,
ये कुछ इस तरह से, ये ऐसे और काट लिए, ये थोड़ी सी बड़ी सी है, ये देखते हैं ये बड़ी सी है, तो मैं अब इसको लगाऊंगी। इनको लगाना बहुत ही आसान है, तो हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मेरे भाई बहन जो लगाने के शौकीन हैं उन्हें ट्राई ज़रूर करना चाहिए।